दुनिया में दो तरह के लोग मस्त हैं, एक जो बिल्कुल गरीब हैं बेमस्त, और जिन पे भयंकर पैसा है बेमस्त, बीच वाला मरा जा रहा है। समझ में, गरीबों में जाके शामिल नहीं हो सकता, अमीर उसे बैठने नहीं देते। मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास का आदमी बहुत परेशान है कि नहीं समझ। ऐसे ही क्या होता है, अब अध्यात्म में आ जाओ, जो पूरी तरह मिथ्या दृष्टि है वो भी मस्त, जिसके सीधी धारा चल रही, कमाओ खाओ पैसा जोड़ो मकान दुकान बना छोड़ा और मंदिर जय जय भगवान जय 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 जय, और भगवान के पास जाता है चावल चढ़ाए पूजा करी प्रचाल किया, लो भगवान तुम भी खुश और मैं खुश, अब मेरा व्यापार चल ले दो, एक तो वो आदि मस्त है, समझ में आया कि नहीं आया। अथवा एक वो आदि मस्त है जो पूरी तरह सम्यक दृष्टि है, अब ये बीच वाला जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, इसको कभी तो बेचारे को व्यापार सताने लगता है, कभी सोचता है अरे भैया व्यापार करो भैया, ऐसे नहीं चलेगा भैया, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा भैया, आजकल व्यापार हो ही नहीं रहा भैया, और ऐसे तो मन बर्बाद हो जाएंगे, और एक पत्नी नाम का तत्व साथ में, वो कहता बिल्कुल सही सोच रहे आज तुम। देखना पत्नियाँ ऐसी होती हैं कि तुम जिस दिन व्यापार पैसा वैसा कमाने की बात करोगे ना, उस दिन कहें हाँ बिल्कुल सही आज तुम सही सोच रहे हो, बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन तुमने ऐसी बात करी पैसे में क्या रखा, क्या करेंगे पैसा, अरे इतना भगवान आत्मा शुद्ध तत्व मिला है, आत्मा की बात मिली है, अपने पास जितना है पर्याप्त है, तो वो तुरंत क्या कहेगी, अरे ठीक है जी अपनी जगह सही है, बच्चे भी तो हैं आगे की भी तो सोच रहा है, मतलब देखो समझ गए ना। तो ऐसे जो सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि बेचारा भी ऐसे फंसा हुआ है, ना तो इधर को खिसक पा रहा है ना इधर को खिसक पा रहा है, बीच में फंस गया। अब ये बीच में फंसा हुआ है तो भी टोडोमल जी साहब कह रहे हैं कम से कम चांस तो है इस तरफ खिसक जाए, है ना, सम्यक हो जाए, समझ। इसलिए तुम्हारी जो अभी दशा, हमारी जो दशा है, इस दशा को स्वीकार करो, हम उस दशा में चल रहे हैं। अभी अपन ना पूरी तरह मिथ्या दृष्टि हो पा रहे हैं और ना पूरी तरह सम्यक दृष्टि हो पा रहे हैं, अपन बीच में फंसे हैं। लेकिन ये बीच में फंसा हर कोई है जब सम्यक होता है, बीच में फंसना ही पड़ता है। सम्यक सन्मुख हुए बिना कोई जीव सम्यक दृष्टि तो होता नहीं। तो जितने भी आज तक सम्यक दृष्टि हुए होंगे या आगे होंगे, उनको ये स्टेशन पे तो आना पड़ेगा, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाली, और इस स्टेशन पे बना गए खेल में, अब यहाँ पे बहुत चक्रम चलेगी, एक मन करेगा वापस लौट चलो और एक मन कहेगा आगे चलो। अब इस चक्रम में अभी अपन फंसे हुए हैं, अब देखते हैं आगे कहानी क्या बनती है, वापस लौटते हैं या आगे चलते हैं।